हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये एलसीडी और ये रिसीवर दोनों इस प्लेट पे कैसे चला सकते हैं। ये कम से कम 380-370 वाट की प्लेट है, इसको आप कैसे फ्री चला सकते हैं? दोनों को आप फ्री चला सकते हैं। दोनों को आप वीडियो फुल देखें, लेकिन मैं रिसीवर को भी चलाऊँगा, उस एलसीडी को चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कनेक्शन भी, वोल्टेज भी, कहाँ कहाँ से उसकी तार आ रही है, कहाँ कहाँ से तार जा रही है, आपको पूरा दिखाऊंगा। उसके लिए वीडियो खोल देखे, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकॉन। सबसे पहले ये हमारे पास इसके वोल्टेज आ रहे हैं। ये बड़ी सोलर प्लेट है, इसके पास हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्टेज देखेंगे, मैं इसको वहाँ लगा रहा हूँ, आप समझिए कि इसमें वोल्टेज है। इसमें वोल्टेज देखेंगे, इसमें कितने वोल्टेज है, ये देखें कितने इसमें पावरफुल वोल्टेज है। इसमें 44 वोल्ट, इस पर धूप सकते हैं, धूप ज़्यादा है, इस वजह से वोल्टेज ज़्यादा है। ये देखें, इसको मैं लगाता हूँ। ये 44 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये 44 वोल्ट हमारे पास आ रहा है। आपके पास कैपेसिटर होना चाहिए, 10 UF का कैपेसिटर होना चाहिए। कैपेसिटर आपके पास होना चाहिए। ये कैपेसिटर से लगा रहे हैं, जब हमारा कोई बादल होगा तो ये कैपेसिटर उसकी पूरी चेक करेगा। हमने क्या करना है, दोनों इसमें लगा देना है, कोई भी इधर उधर लगा देना है, प्लस माइनस। आपको प्लस पता होना चाहिए इसकी, प्लस ये वाइट वाली प्लस है, इसमें वाइट निशान है, प्लस वाली प्लस है। इसको मैं लगा देता हूँ। मीटर को मैं साइड पर करता हूँ। अभी ये रिसीवर का तार है, ये रिसीवर का तार है और ये एलसीडी का तार है, दोनों का तार है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये तार जो पीली तार है, ये कहाँ से आ रही है। ये पीली तार आपको दिखाता हूँ कहाँ से आ रही है। आप समझे होंगे कि इसमें कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है, कई चीज़ लगाई हुई है। ये देखें, पेड़ के नीचे से दोनों प्लेटें तारे आ रही है आपके सामने। देखें, कोई कनेक्शन नहीं है। इस एलसीडी के पीछे भी देख लें, एलसीडी के पीछे भी कोई कनेक्शन नहीं है। अभी इन दोनों को हम ऑन करेंगे। इन दोनों को कैसे ऑन करेंगे, पहले हमने क्या करना है, रिसीवर का तार लगा देना है ताकि हमारा रिसीवर ऑन हो जाए। रिसीवर की ये ऑडियो वीडियो की केबल लगी हुई है, ऑडियो वीडियो की केबल उसके पीछे लगी हुई है। उसमें हमने USB भी लगा दिया, क्योंकि हमारे पास डिच का तार छोटा है, इसलिए हमने डिच का तार ही लगाया। इसको क्या करेंगे, हम इसके साथ जोड़ेंगे, एक एक करके जोड़ना है आपने। दोनों को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है। ये तारें मैंने लगा दी हैं इसके पास, इसमें लगा देंगे। देखें, 5 सेकंड तक अपने इसको छोड़ रखना है। अभी एलसीडी को हमारा ऑन नहीं हुआ है, एलसीडी क्यों नहीं ऑन हुआ है, उसका ये नीचे लाइट है, आपको दिखाऊंगा। देखें, नीचे लाइट है, ये ऑन नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसको लगाएंगे, तार को सही करके लगाएंगे कि हमारा नहीं ऑन हुआ। एलसीडी मेरा कोई नहीं ऑन हुआ है, ये हमने तार उल्टा लगाया था। तार हम प्लस वाली पे लगाएंगे, जो ये इस पे साथ चलता है, इसको इस साथ लगाएंगे। रिसीवर छोटा है, वो किसी कहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। ये मैंने लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये दोनों मैंने लगा दिया। अभी एलसीडी के नीचे लाइट देखेंगे, क्योंकि रिमोट से ऑन होती है। देखें, इसका लाइट ऑन हो गया है। पीछे से बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। पीछे से हम बटन इसका दबाएंगे तो
इसको ऑन होना चाहिए। ये देखें अभी ग्रीन हो जाएगा। आपके सामने मैं बटन दबा रहा हूँ, उसका दबा के रखूँगा। वोल्टेज थोड़ा कम थी इसलिए थोड़ा बटन मस्ती करता है। ये ग्रीन हो गया लाइट, ग्रीन एंड लाइट हो गया। इसके नीचे रख देंगे। इसके देखिए पीछे कोई कुछ भी कनेक्शन नहीं है, आपको कोई भी कनेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं पीछे से। खुफिया कनेक्शन कोई भी नहीं है, तार इधर जा रही है। इसको हम ऐसे लगा देंगे। देखिए हमारा रिसीवर भी ऑन हो गया और LCD भी ऑन हो गया। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा छोटा भतीजा बैठा है सामने, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें नो सिग्नल आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारा रिसीवर भी ऑन हो गया। रिसीवर का भी लाइट थोड़ा मध्यम होगा पर काम कर रहा है अपना। इसमें हम USB लगा के हम उसको ऑन करेंगे, कोई मूवी शूवी लगा के इसको करेंगे। मैनुअल दबाएंगे, देखें आपको समय नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। देखिए प्लेयर ओके करेंगे, नीचे जाएंगे ओके करेंगे, न्यू फोल्डर में जाएंगे, न्यू फोल्डर में हमारा मूवी पड़ा है, सॉरी न्यू फोल्डर में जाना था, न्यू फोल्डर में हमारा मूवी पड़ा है। ये हम इसको दबाएंगे, दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी आपको नहीं दी होगी जैसी इन्फॉर्मेशन हम दे बहुत दे रहे हैं। पाकिस्तान में अभी अगला जो जोर आ रहा है वो सोलर का आ रहा है। अब घर बिजली अब भूल जाएंगे, घर में वापटा को आप भूल जाएंगे, वापटा इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा काम कर रहा है। तारे में ही आपको दिखा रही हैं, तारे LCD की आ रही है लगाया हुआ है। लेकिन आपको किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी USB की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने LCD चलानी है, LCD के लिए आपको इन्वर्टर और UPS की ज़रूरत नहीं है। आपको बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है, बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बैटरी से भी बगैर बैटरी के भी इसको चला सकते हैं। थोड़ा इसको साउंड स्ट्रोक होगा क्योंकि आपको साउंड कम थोड़ा कम किया होगा कभी। ये देखें ये प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट में ये काम कर रहा है, प्लेट पे आप हमारी ये काम कर रही है ये LCD। ऐसे ही आप भी चला सकते हैं अपनी LCD को। उसके लिए ये कनेक्शन देखने हैं आपने, प्लस माइनस है ना आपने देखनी है, जिसके साथ लग रहा है चल रहा है उस साथ लगा देना पक्का। रिसीवर को आप कहीं लगाकर चल जाएगा। ये आपकी फ्री इलेक्ट्रिक फ्री एनर्जी आपकी हो सकती है, पूरा दिन आपका शुरू हो जाए तो आपका चलता रहेगा। ये देखें मूवी पूरी चल रही है, आप दसो आपका ये सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेस्टर आप अगर नहीं लगाना चाहते तो पेस्टर की जरूरत नहीं है, पेस्टर वगैरह भी काम करेगा। पेस्टर से भी रोशनी कम थी होगी, थोड़ी थोड़ी धूप कम थी होगी, तो ये काम थोड़ा करता रहेगा। दोस्तों कैसी वीडियो लगी है इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल को लाइक लाजमी करें। आपको वीडियो को कमेंट्स कैसी वीडियो लगी है कमेंट्स लाजमी करने का शुक्रिया।